ऐसी गई नवरात्रि मिली। जैसे मेरा सॉन्ग प्रेम निरात जो मेरी फीलिंग्स इन 9 दिनों से मेरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में था। फॉर ओवर 30 डेज मैं सिर्फ गेम खेल रहा था लाइव स्ट्रीम करके और आगे भी मेरा वही प्लान था बट दुर्गा माता का नहीं। ये सब शुरू हुआ इस वीडियो से। मैंने बाहर जाना गिव अप कर दिया था पर फिर नवरात्रि आई और हार्दिक के मन में उम्मीद जागी। मुझे मेरी अर्धांगिनी सॉन्ग्स अपार्ट हार्दिक नन्नी एंड टीम ने डिसाइड किया कि हम इस नवरात्रि जोधपुर में होने वाले हर एक गरबा इवेंट में जाएंगे। डे 1 हम जाते हैं एक इवेंट में जहाँ पर फनीली इनफ एक स्टेज टाइप का कुछ होता है तो जो वहाँ पे डांस गरबा सीखकर जो लोग आए हैं वो लोग वहाँ पर उस स्टेज पे डांस करते हैं और नॉर्मल पीपल जैसे कि हम लोग अलाउड नहीं होते वहाँ अंदर। अब मैं जो यहाँ पर गरबा खेलना और खूब मज़े करने के इरादे से आया था डिसाइड करता हूँ कि इनको मैं अपना प्लान फेल नहीं करने दूंगा। आई स्टार्टेड डांसिंग इन द आउटर एरिया। मेरे साथ हार्दिक के कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरे कजन्स और धीरे धीरे कर सब लोगों ने ज्वाइन किया और बाहर वाले एरिया की फिर हालत कुछ ऐसी हो गई। एक ताल पे गरबे का स्टेप करते हुए आई स्टम्बल्ड अपॉन माई चाइल्डहुड फ्रेंड स्वाति। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, उससे ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा के बाद मिलने के बाद में मुझे एक नॉस्टैल्जिया सा हिट किया बट गरबा नहीं रुकना चाहिए। सम मोर पीपल जॉइंड, उनमें से एक थी मानवी। इतने टाइम बाद आई थिंक आई फाइनली हैड अ क्रश ऑन समवन पर फर्स्ट डे मुझे रियलाइज नहीं हुआ था। फर्स्ट डे बस क्यारी कितनी सुंदर है तक की था पर सेकेंड डे जब मैं उसके साथ गरबा खेल रहा था टू बी ऑनेस्ट उसके पीछे सर्कल में था उस टाइम पर आई फेल्ट लाइक शायद इससे पूछ लेना चाहिए पर मैं जिस सिचुएशन में था वो मुझे ये सब के लिए अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि अभी ये वीडियो बनाते वक्त मैं ये सब चीज़ें रियलाइज कर रहा हूँ। उस रात तो मैं बस मैंने मानवी की इंस्टा आईडी मांगी पर उसके पास में इंस्टा आईडी नहीं था और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपना नंबर दे देती। हाँ भाई नहीं हूँ मैं कोई पिकअप आर्टिस्ट। मैंने उसके ग्रुप की एक दूसरी लड़की की इंस्टा आईडी ली थी ताकि मैं फिर अगले दिन उससे मिल सकूँ पर मुझे नहीं पता था कि मानवी के साथ में मेरी लास्ट मीटिंग है फॉर नाउ एटलीस्ट। खैर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे मेहरानगढ़ की माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ से जाना है यहाँ से मैं नहीं अंदर नहीं गया मैं ऐसे बात बात चलो क्या गाड़ी तो क्या किधर गया वो लोग तू नहीं लेगा और वहाँ की जो पूरी राइड थी उस राइड की ही वीडियो क्लिप्स जो है 70% ऑफ द बर्ड्स ऑफ द फैदर सॉन्ग में यूज़ की गई है क्योंकि एज मैंने बताया कि वो सॉन्ग इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा था। लाइन देखो भीड़ देखो भाई क्या सॉलिड भीड़ है ब्रो। पीछे देखो सारे ओ ये बस थंबनेल मिल गया मेरे को बता दे इसमें हम लोग सब देवी माँ के भक्त हैं। यस अब ये लोग मेरी ट्राइब बन गए थे सॉर्ट ऑफ। मेरी एक्सट्रोवर्ट साइड अपनी पीक पर थी और दोस्तों के साथ हैंग आउट करना मतलब आ चुके हैं बाहर और हम लोग जा रहे हैं गाड़ियों की तरफ। ये देखो ये हमारी सारी की सारी गैंग ठीक है लोग यहाँ एंड नहीं करेंगे हम लोग। तुम चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो चलो चलो मस्ती मजाक करते हुए हम पहुंचे मंडोर जहां जाके हमने थोड़ी और मस्ती मजाक की। रात को आई एम अ कंटेंट क्रिएटर रात को वीडियोस बनाता हूं सारी में लुक एट माय ब्यूटीफुल फेस गाइस इतना क्रिंज मत कर ठीक है ना। ये देखो आज हम लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया ये हमारे चीफ अफसर है भाई चीफ अफसर है माने और फिर घर आके दिन भर सोए। अब नेक्स्ट डे मैं फिर पहुंचा गरबा खेलने के लिए। इस बार नया ऑर्गेनाइजर था तो गरबा जोन में एंट्री तो थी पर ट्रेडिशनल वेयर करोगे तो अच्छा। लास्ट डे मुझे मिली थी सपना और ललिता।
अब मेरा ग्रुप जो था आज वो बहुत ज्यादा ठंडा था। प्लीज एक बार बाहर वाले सर्किट एंजॉय कर सकते। ये देखो एडिक्टेड लोग फोन चला रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। टाइम फॉर टिम्पनी, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता है वो भी। एक साथ टिम्पनी करते हैं, आइए। रेडी सर, मेरे साथ काउंट करना है 1 2 3 4। ये झूठ बोल रही है, सबसे क्यूट। झूठ बोल रही है। ये है मेरी सबसे क्यूट बहन, ये है मेरी सबसे क्यूट बहन। मोबाइल का एडिक्शन आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकता है, इसलिए आपको मोबाइल का एडिक्शन नहीं करना चाहिए। नाच नहीं रहे थे वो लोग, तो मैं उन दोनों के साथ चला गया दूसरे और ग्रुप्स, रैंडम ग्रुप्स के साथ में जाके गरबा करने के लिए। काफ़ी सही था सब कुछ। मुझे इस चीज़ की श्योरिटी मिल गई कि जब लोग पार्टी में इंजॉय करने आते हैं, सब लोग एक साथ में इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो लोग इतने जजमेंटल नहीं होते और आप स्ट्रेंजर्स के साथ में भी मज़े कर सकते हो। अब मानवी को वन टाइम क्रश मान के मूव ऑन कर लिया था मैंने, और किसी में इंटरेस्ट ना आने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने ग्रुप के दोस्तों के साथ में ही इंजॉय करूँगा। आफ्टर द गरबा पार्टी, इन द आफ्टर पार्टी, हम लोग गए अनलिमिटेड खाना खाने टू कंक्लूड द नाइट। माई बेस्ट इवनिंग काइंड ऑफ इन दिस गरबा डेज आई गेस। अब अगले दिन वी चेंज्ड द एवेन्यू, न्यू प्लेस न्यू स्टोरी। नहीं भाई, अब लोग लेट आने लगे तो ज़्यादा उसको बचा नहीं था दोस्ती और बातों का। एट दिस पॉइंट मैं सिर्फ पीयर प्रेशर में जा रहा था ताकि मुझे बाद में घर पे बैठ के फोमो ना फील करना पड़े। रिगार्डलेस ऑफ दैट, मुझे मेरी गैंग के साथ मज़ा आया, जो कि हमेशा आता है स्पेसिफिकली इन गरबा नाइट्स। अब वैसे तो दो और दिन थे, पर हम लोग सिर्फ कल और गरबा खेलने के लिए जाने वाले थे। हम सबको पता था कि ये लास्ट डे है, तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जल्दी जाएंगे, पर ऐसा सिर्फ डिसाइड हुआ था, कोई जल्दी नहीं पहुंचा। फिर ऊपर से एवेन्यू पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, नॉट द बेस्ट डे सो फार, बट वी स्टिल हैड फन। वेरी अनएक्सपेक्टेड कैमियोज हुए, मुझे मेरे कॉलेज मेट्स मिले, मेरे स्कूल का एक लड़का, और उन सबसे बड़ी बात मेरी एक पास्ट की एक क्रश मुझे दिखी जिसका मैं नाम भूल चुका था। उसका नाम याद करने और फोटोज़ क्लिक करने के साथ में हमने हमारी जर्नी ऑफ गरबा 2024 को एंड किया। मेरी बातों से समझ आया तो अच्छा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कैसे बयां करूं मैं कितना अच्छा था ये समय। कहां मैं मेरे रूम में जॉम्बी की तरह बैठा कंप्यूटर में गेम खेल रहा था, और कहां मैं अब लाइफ को खुल के जी रहा हूं। मुझे जोधपुर कभी पसंद नहीं रहा, पर अब शायद आई लाइक इट। क्यों? क्योंकि मेरी अच्छी यादें मेरी बुरी यादों से ज़्यादा होती जा रही है, और फिर मेरे दोस्त भी तो यहीं रहते हैं। तो ये थी मेरी नवरात्रि, आपकी कैसी रही कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर तुमको मेरे स्टोरी टेलिंग टाइप ऑफ व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूरी से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ क्लिक करके तुम और भी ऐसे स्टोरी टेलिंग वाले व्लॉग्स देख सकते हो, और मैं तुमसे मिलता हूँ वहाँ पर। चलो मैं रखता हूँ। अस्ताला विस्ता।